Hey guys, welcome back to my channel. This is Sayo Artline with me Sayo. So this is the second part video. अगर आपने अभी तक first part नहीं देखा जिसमें मैंने outline describe किया था तो जाके देख सकते हो, link in the description. और बाकी सब इस video में हम लोग क्या करेंगे, sketching start करेंगे. बाकी सब मैं video में describe करता रहूँगा. So let's start. इस ड्राइंग को करने के वक्त मैंने एक चीज़ गौर की कि मैंने इसको तो पहले तो मैंने ग्रेफाइट और चारकोल से मैं करूँगा कंप्लीट, लेकिन पहले मैं जो अभी कर रहा हूँ देख सकते हो आप, मैंने ग्रेफाइट से मैंने थोड़ा मतलब फर्स्ट लेयर मैंने दिया, फिर मैंने सोचा कि उसके ऊपर मैं थोड़ा चारकोल दूँगा, डार्क होगा, देन ब्लेंड करूँगा, लेकिन वो गलत था. वो ऐसा मत करना. अगर आपको कहीं पर भी चारकोल यूज़ करना है तो डायरेक्ट चारकोल यूज़ करना, ग्रेफाइट यूज़ मत करना, उसके ऊपर चारकोल अच्छे से नहीं बैठता. मैंने थोड़ा गलती कर दी लेकिन ज़्यादा मतलब नहीं हुआ कुछ. मैंने फिर आप देख सकते हो मैंने चारकोल डायरेक्ट यूज़ किया जब भी, तो आप चारकोल डायरेक्ट ही यूज़ करना. और चारकोल देने के बाद जब आप ग्रेफाइट दोगे तो नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा, आप कर भी नहीं पाओगे. तो हाँ, चारकोल ही यूज़ करना अच्छे से. और चारकोल बहुत डार्क होता है, ब्लेंड भी बहुत अच्छे तरीके से होता है. यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चारकोल ब्लेंड हो रहा था. तो हाँ, देखो आप. Thank you.
इतना कुछ ही था इस वीडियो में। आई थिंक आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जल्दी ही थर्ड पार्ट से वापस आऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ।